आज हम बना रहे हैं मैंगो केक। इसमें हम मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं, सूजी से इसे बना रहे हैं और साथ ही सिंपल सा घर में बनाया हुआ आम का रस यूज़ करेंगे। बनाने में एकदम आसान और खाने में सॉफ्ट और आम के फ्लेवर वाला। आम का केक है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आम, एक हाफूस आम मैंने यहाँ पर लिया है। छिलका हटाएंगे और इसका पल्प निकालेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ शक्कर, तो दो तिहाई कप मैंने शक्कर ली है। शक्कर ऐड करेंगे मिक्सी के जार में, साथ ही हम जो पल्प हमने निकाला है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो लगभग एक कप के करीब हमें पल्प मिला है, थोड़ा सा कम है, वो पूरा हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तेल, पाव कप तेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तेल डालेंगे, साथ ही डालेंगे एक चुटकी पर नमक और इन सबको हम अच्छी तरह मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पूरा पल्प निकाल दिया है दूसरे बर्तन में और उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी आधा कप दूध। तो दूध मिलाने से पहले मैं इसको ऐड करूंगी थोड़ा सा मिक्सी के जार में और इसे चलाऊंगी ताकि ये जो पल्प चिपका हुआ है जार में वो भी आसानी से निकल जाए और इस दूध को हम फिर मिलाएंगे पल्प में। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे सूजी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिरोटी सूजी 1/4 कप। अगर आपने बड़ी वाली सूजी इस्तेमाल की तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला कर ले लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे सूजी को इसके साथ और उसके बाद इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देंगे ताकि ये सूजी जो है अच्छी तरह दूध में फूल जाए। थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ली है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कट करके। इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे और कोट करेंगे इनको मैदे से। लगभग 15 से 20 मिनट हुए हैं सूजी ऐड किए हुए और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो बैटर अब अच्छा खासा गाढ़ा बन चुका है क्योंकि सूजी फूल चुकी है। तो अब मैं ऊपर से ले रही हूँ और 1/2 कप दूध। इसमें से जितना दूध हमें चाहिए हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे क्योंकि एकदम से बैटर हमें पतला भी नहीं चाहिए और एकदम से गाढ़ा भी नहीं चाहिए। एकदम अगर ये गाढ़ा रहता है तो फिर केक अच्छी तरह नहीं फूलता है। तो धीरे धीरे करके मैंने इसमें से 1/2 दूध यानी 1/2 कप दूध हमने ऊपर से ऐड कर दिया है और अब जाके कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लग रही है। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी जायफल का पाउडर। जायफल घिसकर, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अब हम केक टिन तैयार कर लेंगे। 7 इंच का केक टिन लगेगा आपको। ऑयल से इसे ग्रीस कर लीजिए और मैदे से डस्ट कर लीजिए ऊपर से या फिर नीचे बटर पेपर लगा दीजिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच और 1/4 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर यानी 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसकी जगह ये अगर आप ये नहीं डालना चाहते दोनों चीज़ें तो इसकी जगह आप रेगुलर फ्लेवर वाला इनो का एक पैक भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे पूरे बैटर में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने मैदे के साथ मिक्स करके रखे हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालेंगे। थोड़े से बचाएंगे गार्निशिंग के लिए और उसके बाद और एक बार इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छे से फूल चुका है तब आप इसे मिक्स करना बंद कर दीजिए। इसे हमें और मिक्स नहीं करना है और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करेंगे केक टिन में। केक टिन को मिक्स और फिर केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। कढ़ाई, ऊपर वाला ढक्कन और स्टैंड मैंने लगभग 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम अंदर केक टिन रखेंगे, ऊपर ढक्कन रखेंगे और फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम, ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे। और 40 मिनट के बाद लगभग आप इसे चेक कर लीजिए। सीजन चल रहा है, ज़रूर बना कर देखिए ये आम का केक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।